पीली साड़ी, नौलखा हार और गजरा लगाए 14 साल पहले कुछ इस तरह दुल्हन बनी थी ऐश्वर्या राय। फाटस। अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन की 14वीं वेडिंग एनिवर्सरी है 20 अप्रैल 2007 को। ऐश्वर्या अभिषेक शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी बच्चन फैमिली के बंगले प्रतीक्षा में हुई थी। शादी में ऐश्वर्या राय ने पीले, लाल और गोल्डन रंग की साड़ी पहनी थी। बालों में उन्होंने ढेर सारे फूलों का गजरा लगाया था और हीरों से जड़ा हैवी नेकलेस पहना था। ओवरऑल बच्चन बहू बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। शादी की सालगिरह के मौके पर कपल की कुछ वेडिंग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शादी के इतने साल बाद भी ऐश्वर्या अभिषेक के कई फैंस इनकी लव स्टोरी जानने में दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए इस मौके पर आपको बताते हैं कपल की लव स्टोरी। दोनों पहली बार 1997 में एक फिल्म के सेट पर मिले, जहां ऐश अभिषेक के दोस्त बॉबी देओल के साथ काम कर रही थी। दोनों ने पहली बार 2000 में ढाई अक्षर प्रेम के में और फिर 2003 में कुछ ना कहो फिल्म में साथ काम किया था। हालांकि यह वो वक्त था जब दोनों ही किसी और को डेट कर रहे थे। ऐश्वर्या सलमान को और अभिषेक करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। 2005 में बंटी और बबली में मशहूर गाने का जा रहे गाने की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से जानने लगे। 2006 से 2007 में उन्होंने उम्र जान, गुरुवार और धूम दो के लिए शूटिंग करते समय दोनों ने क्वालिटी टाइम बिताया। फिल्म धूम दो की शूटिंग के दौरान कब एक दूसरे को प्यार हो गया ये खुद भी नहीं जान पाए। अभिषेक ने न्यूयॉर्क के होटल के कमरे की बेलकोनी में नकली हीरे की अंगूठी के साथ ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। यह जगह अभिषेक के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहीं खड़े होकर वो सोचते थे कि एक दिन मैं ऐश के साथ यहां आऊं जब हमारी शादी हो जाए। अभिषेक और ऐश्वर्या की 2007 में दोनों की सगाई हुई। ऐश्वर्या मांगलिक हैं और इसीलिए उन्हें शादी से पहले एक पीपल के पेड़ से शादी करनी पड़ी। जया बच्चन बहू ऐश्वर्या की बहुत रिस्पेक्ट करती है और सभी से उम्मीद करती है कि वे उनकी बहू से सलीके से पेश आए। एक बार मीडिया कर्मी ने ऐश्वर्या को ऐश ऐश करके पुकारा तो जया को गुस्सा आ गया और बोली थी कि तुम्हारी क्लासमेट है क्या। पहले भी कई बार मीडिया और फैंस पर उन्हें लेकर गुस्सा उतार चुकी है।